नमस्कार, आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग माइंड सेक्शन के एक रूब्रिक पर चर्चा करेंगे, वो रूब्रिक है कम्युनिकेटिव। अब देखिए, सिंथेटिक जो रेपर्टरी है उसमें दिया हुआ है कम्युनिकेटिव कॉमा एक्सपेंसिव, किंतु सिंथेसिस जो रेपर्टरी है उसमें दोनों को अलग अलग करके दिया गया है। और सिंथेटिक रेपर्टरी में जो दवा है वो है एकोनाइट है, एलुमिना है, बराइटा कार्ब है, हाइड्रोकोटाइल है और लेकेसिस है। इतना दवा दिया है सिंथेटिक में, और सिंथेसिस में और दवा बहुत सारा कम्युनिकेटिव में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इसको कम्युनिकेटिव को समझने का प्रयास करें। ये कम्युनिकेटिव जो है से एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है, और इसका वर्ब जो रूप होता है उसको होता कहते हैं कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेट को पहले समझते हैं कि कम्युनिकेट क्या होता है वर्ब रूप में। तो कम्युनिकेट का मतलब होता है, इसका डिक्शनरी मीनिंग है, टू मेक योर आइडिया, फीलिंग, थॉट्स, इटीसी नोन टू अदर पीपुल सो दैट दे अंडरस्टैंड देम। माने अपना आइडिया, फीलिंग, थॉट्स को इस प्रकार से व्यक्त करना कि दूसरा व्यक्ति उसको समझ सके, समझ जाए, इसी को कम्युनिकेट करना कहते हैं। अब देखिए, तो एडजेक्टिव है कम्युनिकेटिव, तो कहने का मतलब है कि जिसमें कम्युनिकेट करने का स्किल होता है, कम्युनिकेट करने का जो गुण होता है, जो कम्युनिकेट करने के लिए उत्सुक होता है, उसको कम्युनिकेटिव कहेंगे। इसका डिक्शनरी मीनिंग भी है विलिंग, ईगर और एबल टू टॉक और इम्पार्ट इंफॉर्मेशन। दूसरा मीनिंग है इंक्लाइंड टू कम्युनिकेट और इम्पार्ट। तो ये इसका मीनिंग है विलिंग टू टेक, विलिंग टू टॉक टू पीपुल एंड गिव इन्फॉर्मेशन, विलिंग टू टॉक टू पीपुल एंड गिव देम इन्फॉर्मेशन, ये कम्युनिकेटिव का माने है। तो आप देखिए, कम्युनिकेटिव व्यक्ति क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या क्या हुआ, कम्युनिकेशन का मतलब हुआ द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ एन इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। माने कम्युनिकेशन में क्या करेगा भाई, व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा, इन्फॉर्मेशन को प्रदान करेगा। कैसे प्रदान करेगा, वो बोल करके कर सकता है, लिख करके कर सकता है, या सम अदर माध्यम से, दूसरे कुछ माध्यम से भी कर सकता है, जैसे टेलीविजन हुआ, इंटरनेट हुआ, ये सब हुआ। कहने का मतलब यही है। अब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन करने का टाइप क्या है भाई, तो ये हो सकता है, देखिए दो तीन तरह के हो सकता है। इसको हो गया वर्बल हो सकता है, माने बोल करके, नॉन वर्बल हो सकता है, बिना बोले हुए, जैसे इशारा उशारा से बात करना, बॉडी लैंग्वेज हुआ, गेस्चर हुआ, ये सब हुआ। अच्छा, तो ये है रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है, विजुअल हो सकता है, लिख करके, जैसे बुक फॉर्म है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट पर लिख करके हुआ। अच्छा, विजुअल हो सकता है, ग्राफ के द्वारा, चार्ट के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया जा सकता है, मैप के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन। तो ये है। अब देखिए, कम्युनिकेशन में तीन चीज रहेगा, तीन पार्ट जरूर रहेगा, तीन चीज जरूर रहता है। क्या क्या चीज रहता है भाई, तो
तो एक इन्फॉर्मेशन देने वाला होगा, दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा मैसेज होगा, और तीसरा होगा इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने वाला। एक सेंडर, मैसेज एंड रेसिपिएंट, तीन गो होगा ही, समझे ना। तो ये सेंडर क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा, मैसेज देगा, और रेसिपिएंट उसको प्राप्त करेगा, उसको समझेगा। तो सेंडर अब जैसे कि वर्बली बोल सकता है या और जो माध्यम है उसके द्वारा कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। तो ये हो गया कम्युनिकेटिव। एक्सपेंसिव जो है, एक्सपेंसिव के मतलब क्या है, माने विस्तार से बताना। और इसका एक मीनिंग है साइकेट्री के अनुसार, मार्क्ड बाय एन एबनॉर्मल यूफोरिक स्टेट एंड बाय डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। तो ये है इसका डिक्शनरी मीनिंग एक्सपेंसिव का। तो एक्सपेंसिव में व्यक्ति क्या करेगा भाई, इन की विस्तार से, इसका शब्दिक अर्थ क्या हुआ कि विस्तार से सूचना प्रदान करेगा। अब विस्तार से के मतलब क्या है, इसमें रोगी क्या करेगा, अपने बीमारी के बारे में विस्तार से इस प्रकार बताता है कि सुनने वाला जो व्यक्ति है अच्छी तरह से समझ जाए। वह समझाने हेतु तरह तरह के भाव भंगिमा कर सकता है, चित्र बनाकर के बता सकता है, हाथ के इशारे से बता सकता है, आवाज के सहारे बता सकता है, ये सब माध्यम से वो कम्युनिकेट कर सकता है। उसका मैंने इसमें मेन उद्देश्य क्या होता है कि हम जो समझाना चाहते हैं, हम जो कहना चाहते हैं, वो जो दूसरा व्यक्ति है जिसको हम कहना चाहते हैं, वो पूरी तरह से जैसे हम कह रहे हैं उसी रूप में वो समझ जाए, इसीलिए वो उतना विस्तार से बताता है। वो तरह तरह के उपाय करेगा बताने के लिए कि उसको जो हम कहना चाह रहे हैं वो व्यक्ति जो है सुनने वाला व्यक्ति समझ जाए कि हाँ यही कहना चाहता है। अब रोगी है तो बीमारी के बारे में बताना चाहेगा, तो वो इस तरह से भाव भंगिमा के द्वारा अपना व्यवहार से कुछों से, तो वो अपना इस तरह से व्यक्त करेगा कि जो जिसको से बता रहा है, डॉक्टर से बता रहा है, तो डॉक्टर उसको अच्छी तरह से उसी रूप में समझ ले जिस रूप में वो बताना चाहता है। यही है कम्युनिकेटिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भाई कृपा करके चैनलवा को तो नहीं सब्सक्राइब कर दा, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करिए, ताकि और अच्छे से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो। नमस्कार, जय हिंद।